टाइप्स ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर्स के दो प्रकार हैं, फुल फ्लैश पार्टनर और नॉन फुल फ्लैश पार्टनर। तो हम पहले पढ़ते हैं फुल फ्लैश पार्टनर कौन से होते हैं। फुल फ्लैश पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा प्राप्त करते हैं। क्लियर है। अब फुल फ्लैश पार्टनर के आगे कुछ प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, फर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा प्राप्त करता है। तो दैट पार्टनर इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर और उस पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता पर वो बिजनेस में पैसा भी इन्वेस्ट करा और प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा भी ले, मतलब कि इसके अंदर सेम वही विशेषताएं हैं जो एक एक्टिव पार्टनर के अंदर होती हैं, सिर्फ एक पॉइंट का छोड़कर कि एक्टिव पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पर स्लीपिंग पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। लास्ट पॉइंट है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर है जो आम जनता की नज़रों से छुपा हुआ है पर वो बिजनेस में वही सारी क्रियाएं करता है जो एक्टिव पार्टनर करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट, इन्वेस्ट मनी और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है। उसके बाद अगला पॉइंट है नॉन फुल फ्लैश पार्टनर। नॉन फुल फ्लैश पार्टनर वो पार्टनर्स हैं जो बिजनेस में ना ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना ही प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा प्राप्त करते हैं। दैट पार्टनर कॉल्ड नॉन फुल फ्लैश पार्टनर्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर्स वो पार्टनर हैं जो ना ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना ही प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा प्राप्त करते हैं ना ही बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ उनका नाम यूज़ किया जा रहा है क्योंकि उनकी क्या है एक मार्केट में रेपुटेशन, एक गुडविल है। तो दैट वाई दे आर कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर्स बाय स्टोपल होल्डिंग आउट। एक पार्टनर जो फर्म में पार्टनरशिप नहीं करता, सिर्फ उसके वर्ड्स और उसके बोलने का तरीका ये हाईलाइट करता है कि वो फर्म का पार्टनर है। अगर फर्म कोई लोन ले रही है और वो सिर्फ उसके बोलने की वजह से मिल रहा है तो उस केस में उस लोन के लिए वो भी पर्सन क्या होगा, जिम्मेवार होगा। तो उस लोन के टाइम पर वो फर्म में क्या माना जाएगा, पार्टनर माना जाएगा। लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है कि जितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ उसी चीज़ के लिए वो क्या होंगे, लाइबल होंगे। मान लो मैंने कंपनी के 100 शेयर परचेज करें, एक शेयर के वैल्यू 1000 रुपये, तो मैं 100000 रुपये लेने देने के लिए क्या हूँ, कंपनी को लाइबल हूँ, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी मैं कंपनी को नहीं दूंगा। माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर को कभी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बनाया जाता पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत एक माइनर सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर बन सकता है, कभी भी लॉस में पार्टनर नहीं बन सकता और वो तभी पार्टनर्स बन सकता है जब बाकी सारे पार्टनर क्यों एग्री हों। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। माइनर पार्टनर से ये अलग है, इसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। क्लियर है। वो बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता।